नमस्कार, मैं हूं अशोक सिंघल और आज हम बात करेंगे बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष और देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की। राजनाथ सिंह मोदी सरकार के कद्दावर मंत्रियों में गिने जाते हैं। नंबर दो की हैसियत है मोदी सरकार में राजनाथ सिंह की। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे हैं राजनाथ सिंह। बीजेपी के दो दो बार अध्यक्ष का जिम्मा संभाल चुके हैं राजनाथ सिंह। राजनाथ सिंह अपने व्यवहार के लिए जाने जाते हैं। शालीनतापूर्व व्यवहार वो अपने विरोधियों के साथ भी करते हैं और एक सीमा तक ही जाकर के उनका विरोध करते हैं। उनके विरोध करने में भी एक शालीनता रहती है, एक स्तर रहता है विरोध करने का भी राजनाथ सिंह का। राजनाथ सिंह चंदौली जिले के एक छोटे से गांव बाबोरा में पैदा हुए थे। किसान परिवार में उनका जन्म हुआ था। 13 साल की छोटी उम्र से ही वो RSS से जुड़ गए थे। कॉलेज की पढ़ाई और आगे की पोस्ट ग्रेजुएशन उन्होंने गोरखपुर यूनिवर्सिटी से किया। फिजिक्स में मास्टर किया उन्होंने। उसके बाद मिर्ज़ापुर के कॉलेज में उन्होंने फिजिक्स के प्रोफेसर के तौर पर भी काम किया। प्रोफेसर रहते हुए भी वो RSS से जुड़े रहे, काम करते रहे। राजनाथ सिंह के बारे में खास बात ये कही जाती है कि जब वो शाखाओं में जाते थे RSS की, तो धोती कुर्ता और माथे पर टीका लगा करके जाया करते थे। ये उनकी पहचान बन चुकी थी। और राजनाथ सिंह 1974 में जनसंघ की जो मिर्ज़ापुर यूनिट है उसके सेक्रेटरी रहे, फिर 1975 में वहाँ प्रेसिडेंट भी बने, फिर वो आपातकाल में जेल चले गए थे। और जेल का एक किस्सा उनके बारे में काफ़ी प्रचलित है। राम प्रकाश गुप्ता जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे हैं, वो उस वक्त जनसंघ के बड़े नेता थे, वो भी आपातकाल में जेल चले गए थे। राजनाथ सिंह और राम प्रकाश गुप्ता दोनों साथ में जेल में थे। राम प्रकाश गुप्ता ने राजनाथ सिंह का एक बार हाथ देखा, क्योंकि उनको हाथ देखने का शौक था, जानकारी थी हस्तरेखाओं की। तो राजनाथ सिंह उस वक्त 24 साल के रहे होंगे, उनका हाथ देखा तो उन्होंने कहा कि आप एक दिन बड़े नेता बनेंगे। तो राजनाथ सिंह ने मजाक में पूछा कितने बड़े नेता, तो राम प्रकाश गुप्ता ने कहा कि आप उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे। तो उनको उस बात विश्वास नहीं हुआ, 24 साल की उम्र थी और बीजेपी का उतना आधार भी नहीं था उत्तर प्रदेश में, लेकिन हंसी में उन्होंने टाल दिया। लेकिन एक समय आया और ये राम प्रकाश गुप्ता की भविष्यवाणी सच साबित हुई। और ख़ास बात यह कि राम प्रकाश गुप्ता राजनाथ सिंह से पहले मुख्यमंत्री बने, उनके बाद 2000 में राजनाथ सिंह ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। फिर उसके बाद राजनाथ सिंह केंद्र में भी आए, लेकिन उससे पहले 1991 में राजनाथ सिंह कल्याण सिंह जब मुख्यमंत्री बने थे उत्तर प्रदेश के, तो एजुकेशन मिनिस्टर बने थे। एजुकेशन मिनिस्टर जब बने थे राजनाथ सिंह, तो उन्होंने नकल रोकने के लिए काफ़ी अभियान चलाया, नकल रोकने के लिए अध्यादेश लेके आए, नकल पर काफ़ी लगाम लगाया गया था और काफ़ी चर्चित हुआ था उस वक्त ये डिसीज़न राजनाथ सिंह का। लेकिन उससे पहले राजनाथ सिंह पार्टी में अलग अलग पदों पर रहे। वो उत्तर प्रदेश युवा मोर्चा के स्टेट प्रेसिडेंट रहे, फिर सेंटर में राष्ट्रीय युवा मोर्चा के अध्यक्ष रहे, फिर जनरल सेक्रेटरी रहे, राज्यसभा में भी रहे राजनाथ सिंह। जैसे मैंने बताया कि अटल बिहारी वाजपेयी की जब सरकार बनी तो वो कृषि मंत्री, सड़क परिवहन मंत्री बने। और उसके बाद 2005 में वो राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बने, फिर 2013 में फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष बने और नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने और इनको गृह मंत्रालय का जिम्मा मिला राजनाथ सिंह को 2014 से 2019 तक। फिर 2019 में जब मोदी सरकार फिर आई, तब अमित शाह को गृह मंत्री बनाया गया और राजनाथ सिंह को रक्षा मंत्री बनाया गया। राजनाथ सिंह के बारे में एक बात और कही जाती है कि वो विवादों से दूर रहते हैं, विवादों से दूर दूर तक उनका नाता नहीं रहता। किसी भी बात को वो अपने तरीके से कहते हैं ताकि विवाद ना हो, चाहे विपक्षी पार्टियां हों, उनके हर पार्टी में दोस्त हैं, सबके साथ अच्छे संबंध हैं। वो सबको साथ लेकर चलने की फिलॉसफी में विश्वास करते हैं। जब वो अध्यक्ष थे या अलग अलग पदों पर रहे, तब पार्टी में सबको साथ लेकर चलते थे, ये एक उनकी खूबी मानी जाती है। दूसरा, राजनाथ सिंह RSS के बहुत नज़दीक हैं, RSS के नेताओं के साथ, क्योंकि RSS में एक छोटी उम्र में ही वो RSS के साथ जुड़ गए थे, शाखाओं में जाया करते थे। चाहे वो अब मोहन भागवत हों या उससे पहले जितने भी RSS प्रमुख रहे, उनके साथ उनके संबंध बहुत अच्छे रहे। राजनाथ सिंह का एक किस्सा भी काफ़ी प्रचलित है। जब वो मिर्ज़ापुर के कॉलेज में पढ़ाया करते थे, उसके बाद 1992 से उन्होंने पढ़ाना छोड़ दिया था, क्योंकि राजनीति में काफ़ी एक्टिव हो गए थे, लेकिन रिटायरमेंट लिया 2000 में। तो कॉलेज प्रशासन ने उनकी पेंशन 9500 रुपये बांध दी,
लेकिन उन्होंने ये पेंशन लेने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि उन्होंने 1992 से जब पढ़ाया ही नहीं है तो इतनी पेंशन क्यों। फिर उसके बाद जब बार बार कहने के बाद उनकी पेंशन को दोबारा से रिव्यू किया गया और फिर उनकी पेंशन 1350 रुपये दी गई, जो कि उस समय एक चपरासी से भी बहुत कम हुआ करती थी। तो राजनाथ सिंह असूलों वाले नेता भी हमेशा से माने गए, चाहे वो कॉलेज में पढ़ाते रहे तब भी उनके असूल थे, उसके बाद भी काफ़ी असूलों के बड़े पाबंद माने जाते रहे। आज के लिए बस इतना ही, अगली बार फिर नए किस्से कहानियों के साथ आपके बीच आऊँगा। धन्यवाद।